स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कॉलेज प्राचार्य को विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। डीडवाना छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के द्वारा कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर विभिन्न मांगों को लेकर 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य को सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि जिन विद्यार्थियों को पास किया है उनको प्रवेश दिया जाए, बीए बीसीए में नए सेक्शन खोले जाए, महाविद्यालय की सफाई व्यवस्था सुचारू कराई जाए, नियमित कक्षाएं चालू करवाई जाए, छात्राओं के लिए कॉमन रूम खोला जाए, वह बाथरूम की सफाई व्यवस्था करवाई जाए, बायोमेट्रिक मशीन को सुचारू रूप से लगाया जाए, पीछे की बकाया छात्रवृत्ति छात्रों की दिलवाई जाए, जिन विद्यार्थियों के बीए बीसीए बीकॉम के रिजल्ट रोके गए हैं उनके रिजल्ट जारी करवाए जाए और ज्ञापन के साथ में छात्र संगठन के द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि 16 अगस्त तक इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, इन सभी मांगों को लेकर 16 अगस्त को आंदोलन का अगला कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी मांग ये है, फर्स्ट मांग तो है कि पास किया तो प्रवेश दो, जो भी सरकारी स्कूल से जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होते हैं और उनका बांगड़ महाविद्यालय में नियमित एडमिशन नहीं हो रहा है, तो हमारी राज्य सरकार से प्रिंसिपल के माध्यम से ये मांग है कि जिसने भी 12वीं पास किया है उसको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि महाविद्यालय के अंदर साफ़ सफाई सुचारू रूप से की जाए, नियमित विद्यार्थियों की कक्षाएँ समय पर लगाई जाए, और एक बड़ी समस्या आ रही है कि जो कॉलेज की हॉस्टल है उसको हमने इनडायरेक्ट रूप से सुना है कि उसको प्रशासन को देख रहे हैं, दे रहे हैं, गाँव के जो विद्यार्थी 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के जो विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं वो हॉस्टल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम प्रशासन को दो टूक शब्दों में बोला है प्रिंसिपल को कि जो ये गवर्नमेंट हॉस्टल है उसको किसी भी हालात के अंदर हम प्रशासन को नहीं देने देंगे, ये विद्यार्थियों के लिए रहेगी, ये कॉलेज की छात्रावास है।